नमस्कार आंगनबाड़ी बनो, मैं धर्मेंद्र पवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आंगनबाड़ी बनो आज हो चुकी है 14 जुलाई 2024। आज की आंगनबाड़ी से संबंधित अलग अलग स्टेट्स की जो महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें हैं वो आपको स्टूडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मानदेय से संबंधित साथ ही दोस्तों आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा वर्तमान समय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी ताज़ा अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट किए स्टूडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी आज की ऑथेंटिक ताज़ा खबरों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर यहाँ पर एक खबर लग गई है, जैसा कि आप देख सकते हो 11 जुलाई 2024 की अपडेट्स हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं एवं आशा सेविकाओं के मानदेय में की जाएंगी वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेट्स राजस्थान से हैं। राजस्थान के जयपुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागवान ने गुरुवार को विधानसभा में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आशा सेविकाओं के मानदेय में चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जाएंगी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों को जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पोषण पत्र की पालना में हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और इसी की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आशा सेविकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। और नेक्स्ट जो अपडेट स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आंगनबाड़ी से जुड़ी अपडेट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 15 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे पहले की अपडेट है, दैनिक भास्कर ऑनलाइन न्यूज़पेपर उसी के माध्यम से ये अपडेट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 15 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए। गुंडरदेही ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र सिरसिदा परसोद एवं बैल टिकरी में एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया की जाएंगी। नेक्स्ट जो अपडेट्स यहाँ पर लगेगी है चंडीगढ़ से हैं। अम्बाला आप देख सकते हो चंडीगढ़ न्यू सरकार का आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन अध्यक्ष रही झूठा प्रचार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट्स में दे रखा है, पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऑल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरगोविंद कौर झूठी खबरें फैला कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। और सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों ने यूनियन प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की, जिसमें कि यूनियन बैठक ने एक मांग पत्र देते हुए ऑल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरगोविंद कौर की बर्खास्त सेवाओं के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। और अगली जो अपडेट्स यहां पर आप देख सकते हो लगेगी राजस्थान से, कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय वृद्धि का विचार नहीं, चरणबद्ध तरीके से होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागवान ने गुरुवार को विधानसभा में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा सेविकाओं के मानदेय में एक चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी। और अगली जो अपडेट्स यहां पर आप देख सकते हो यहां पर सोनीपत से हैं, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्ले स्कूल में खेल खेल में शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। तो ये थी आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।